गुड मॉर्निंग। अभी टेंट के अंदर से और आज का हमारा न्यू व्लॉग स्टार्ट होने वाला है, तो लेट्स बाहर के लिए चलते हैं और करते हैं व्लॉग का आज का स्टार्ट। यहाँ पर हम जा रहे हैं चाय पीने, तो चलते हैं चाय पीते हैं। और सुबह का मौसम आप देख सकते हैं, कालू भी आ गया। कालू, ओए कालू, ओए कालू, कालू कालू कालू, ओ ब्लॉगर, पानी पुनी भी, चाय 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 नहीं भाई, रम उसके पीना, रम आओ सर, चाय बन गई, गरम पानी सुबह की चाय। अरे इतनी ठंड में भी चार्ज हो जाएगा फोन? हम पी रहे हैं भाई साहब के गोशाले में, पेट चार्ज हो रही है। दोस्तों अभी फ्रेश होने जा रहे हैं हमारे भाई, और आपको बता दें कि अगर आप बुग्यालो में आए तो फ्रेश होने के लिए एक गड्ढा बनाएं जैसे हमने बना रखे यहाँ, और गड्ढे में ही करें मतलब थोड़ा सा दूर, और जहाँ पर पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं पानी भर के, जहाँ पर पीने का स्रोत होगा, जहाँ पर पानी का बिल्कुल वहाँ पर कभी फ्रेश न हो, और खड्डा करके बिल्कुल आप फ्रेश हो सकते हैं, इसलिए हमारे पहाड़ों को ज़्यादा गंदा ना करें। सुबह सुबह इन्हें खोला जाता है और फिर ये चढ़ने चले जाते हैं सुबह 7 बजे, फिर सीधे शाम को रात के 7 बजे आते हैं घर। मौत देख सकते हैं आप, इस प्रकार रहते हैं, भोटिया कुत्ता बोला जाता है इन्हें, जो कि बकरियों के साथ रहते हैं, 1500 बकरियां देखते, बकरी पर हाथ नहीं लगनी चाहिए गलती से भी, वरना सीधा फाड़ देगा आपको, लगा लो, ले ले लगा लो, आ आ लगा लो। चलते हैं खमीला टॉप के लिए। तो दोस्तों ये प्राकृतिक मंदिर बना हुआ बहुत पहले से, और ये पत्थर अपने आप खड़ा है, किसी ने करानी है, यहाँ के जो भाई था अभी नीचे पे उन्होंने हमको बताया। जय हो, इसके नीचे कम से कम 2-3 आदमी रह सकते हैं। आगे हमको मिल रहे हैं गडेरी, इनको हमारे वहाँ पहाड़ों में बोला जाता है अनुवाल, जो कि बकरियों के अनुआव होते हैं, अनुआव से बोला था, जो जो घूमते रहते हैं बुग्यालों में हमने बकरियों को लेके, तो आगे पे नहीं भी होंगे तो ये कम से कम 1000+ बकरियां हैं, तो बिल्कुल कुत्ते आ चुके हैं। तो चारों कुत्ता आ गए हैं, उन्होंने बोला कि रुक जाओ क्योंकि कुत्ते काट सकते हैं, बिल्कुल काफी शानदार। आले नहीं आले, हाँ ऊपर जा रहे हम खमीला टॉप। चलो फिर ठीक है, हमें इस टॉप पे जाना है, आप देख सकते हैं ये रहा खमीला टॉप, और यहाँ से दिखाएंगे हम आपको शानदार से नज़ारे। तो गाइस जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे हमारी सांसें ज़्यादा फूलते जा रही हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। तो ये है ढूंगा बुग्याल, यहाँ पर पूरे पत्थर है, ढूंग को पत्थर बोला जाता है हिंदी की भाषा में, गढ़वाली भाषा में पत्थर को ढूंग बोला जाता है, तो यहाँ का नाम है ढूंगा बुग्याल।
तो पत्थर को बुग्याल इसे कहा जाता है। तो बिल्कुल शानदार नज़ारा तेलैंदी बुग्याल से इतने आगे आ चुके हैं। तेलैंदी बुग्याल है टॉप। और दोस्तों यहाँ पर फूलों की महक आने लगी है, जिसके कारण अगर हमें थोड़ा नुकसान हो सकता है, हम बेहोश भी हो सकते हैं और सर दर्द होगा, जिसे बोला जाता है बीस लगता है, जैसे कि हमको अंकल जी ने कल वीडियो में भी बताया था खुडी में। तो हमने मास्क लगा लिया सबने, और बचने के लिए हमें नमक, तिल और जीरा और भंगजूर का नमक लार के हम पीस के, उससे ज़्यादा खतरा नहीं होगा। रास्ता काफ़ी डेंजर। तो दोस्तों ये है पूरा ढूंगा बुग्याल, इतने सारे पत्थर हैं कि आप सोच नहीं सकते। अगर यहाँ पूरी बर्फ़ पड़ेगी तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, पत्थर तक नहीं दिखेंगे। तो बिल्कुल काफ़ी शानदार सा। और हमको जाना है इस पत्थर में, हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे के लिए। तो अभी आगे थोड़ा संकरी है रास्ता, खतरनाक, पत्थरों के गुफा अंदर देख सकते हैं, ऊपर ही पत्थर है और हल्का हल्का बर्फ़ भी दिख रही है। तो लेट्स चलते हैं आगे के लिए, खमीला के लिए। तो चलते हैं, ध्यान से जाना पड़ता है। रास्ता होने वाला है, रास्ता काफी संकरी। चलो तो दोस्तों आप देख रहे हैं सामने ये वाला पत्थर, जो कि बहुत बड़ा, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा पत्थर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन दोनों को देख के। और ये जो फोटो है, इस प्रकार काफ़ी डेंजर सा रास्ता, जो कि आप देख रहे होंगे रास्ता है नहीं, पहाड़ों से हम चढ़ रहे हैं ऊपर के लिए। तो अभी मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास GoPro नहीं, मोबाइल है, तो हाथ पे ले जा नहीं सकता हूँ, एक हाथ पे ठीक है। तो चलते हैं आगे। खमीला के टॉप पे अभी हम पहुंचे नहीं। तो दोस्तों फाइनली हम टॉप पे पहुंच चुके हैं, और सामने आप देख सकते हैं ये पूरा घाट व्लॉग है, और हम इधर साइड से आए थे ढूंगा बुग्याल के रास्ते। और अभी हम आगे ले चलते हैं आपको इसके बाद, बट आप यहाँ से थोड़े से आनंद लीजिए। यहाँ से नंदा घूंटी और त्रिशूली पर्वत, रोहती और बहुत सारे पर्वत दिखेंगे आपको। अब थोड़ा ये हमारा भोजन, वो देख लोग, वो देख, और ये यहाँ खाने का मजा अलग ही है। तो दोस्तों अभी सिर्फ त्रिशूली पर्वत दिख रहा है, जो कि यहाँ पर है, और ये पूरे चारों तरफ पर्वत ही पर्वत देख सकते हैं आप, और काफी शानदार नजारा यहाँ से देखने को मिल रहा है हमें। और हमारा फर्स्ट टारगेट हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, अब हम आगे खमीला के लिए जा रहे हैं। खमीला अब थोड़ा सा ही बचा है, तो चलते हैं लेट्स। हमने जाना है स्टॉप पर सीधा, हम आपको वीडियो ही दिखाएंगे इसके बाद। तो लेट्स चलते हैं आगे के लिए। तो
तो सबसे टफ ट्रैक हमारे लिए, इतने खतरनाक पर ना यार, तब भी है यहाँ छाता तोड़ दी यार, छाता टूट गई यहाँ, ऊपर नहीं आया, नीचे घुस गया, टेक टेक के। चलो 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 आराम से, चलो चलते हैं आगे के लिए। I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then find a home. और बिल्कुल शानदार सा मौसम। अगर आपको घूमना है तो यहाँ मई अप्रैल के महीने में सबसे बेस्ट है घूमने के लिए, और ठंडियों में जब बर्फ पड़ी रहती है पूरा। तो रास्ते में हमें मिला वो खोली, जो कि पत्थर के ऊपर पे काफी है, जिसमें मसाला पीसते हैं, मतलब कूटा जाता है धान वगैरह सब चीज। दोस्तों हमको चढ़ना है इस चढ़ाई पे, लास्ट टॉप पे, हम सीधे टॉप पे जाएंगे, आप आपको वीडियो दिखाएंगे। तो लेट से चलते हैं आगे के लिए। हाँ, फाइनली पहुंच चुके हम, और ये है हमारा नजारा, इतना सुंदर। हमें पहाड़ों के बीच स्वर्ग में हम अभी हैं, स्वर्ग की सीढ़ियों में। तो बिल्कुल जितनी तारीफ की जाए हमारे उत्तराखंड की उतनी कम। दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम है, और अभी यहाँ पर हम अगरबत्ती जला रहे हैं और लाइटर तक जल नहीं रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ से काफ़ी सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है, बट अभी थोड़ा बहुत बादल लग चुके हैं यहाँ और कोहरा बढ़ रहा है, तो हमको जल्दी से जल्दी टॉप, यह है मंदिर सामने, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जाना हमने अभी मंदिर में, और छोटा सा मंदिर में हमने पहले पूजा कर लिया, और इस आगे हम चलते हैं अभी। तो लेट्स आगे चलते हैं और टॉप से आपको व्यू दिखाएंगे। यहाँ पर एक गुफा टाइप की, सबसे पहले मैं पूछ लूंगा कौन सी गुफा होगी, यहाँ कहाँ जा रहे हूल भयंकर, पानी जाता होगा यहाँ से ना जब बर्फ जमा होता होगा, पता नहीं यहाँ का पानी कहाँ जाता होगा। और एक और गुफा देखिए, दोस्तों अभी हम हैं खमीला टॉप पे, जो कि यहाँ पर एक छोटा सा काफ़ी सुंदर सा मंदिर, जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ से आपको सामने दिखेगा नंदा देवी घुंघटी पर्वत और त्रिशूली पर्वत। तो दोस्तों आपको यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है, बिल्कुल आप कमेंट में बताएं। हमको तो लग रहा है आपको बहुत ही प्यारी जगह लगी होगी ये खमीला टॉप, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं यहाँ के बारे में। तो दोस्तों आज हम यहाँ से चले नीचे से, जहाँ पर हमारा टेंट लगा था बेस कैंप, और वहाँ से हम यहाँ से चलते 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 चलते, और इन पहाड़ों से, इन पत्थरों से, और यहाँ टॉप पर पहुँचे। इस पल को हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, जो कि हमारा सबसे बेस्ट ट्रैक था, और बीच में हमें काफ़ी कठिनाई वाला रास्ता भी मिला, जो कि रास्ते में काफ़ी पत्थर थे, और मज़ा भी बहुत आया हमको इस ट्रैक में। और आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी। Thank you.
to run. Leave behind the said and done. Figure out what's to come. Reasons, all the bigger things I can't ignore. I'm not getting what I came here for. चलते आ रहे थे तो हमें मिला यहाँ पर नेचुरल दिल बना हुआ तालाब से और रेशमा ये तो हड़प्पा वाली बात होगी। क्या नाम है घर जाके पढ़ेंगे हम। ये नेचुरल दिल बना हुआ है। अब हम जा रहे हैं घर के लिए। तो आज का व्लॉग हमारा भी यहीं पर समाप्त होता हुआ। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो हमारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो GUT ब्लॉग्स हमारे चैनल का नाम। और आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा लास्ट पार्ट था आज खमीला ट्रैक का।